इस दीपावली पूरे देश भर में पटाखों पर बैन लगने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन ये साफ कह दिया है कि पटाखों को लेकर जो कुछ भी गाइडलाइन जारी की गई है वो सिर्फ दिल्ली NCR के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए है। और इसी के साथ ही देश भर में लोग इस बात को लेकर परेशान है कि क्या वो इस दीपावली पटाखे फोड़ पाएंगे या भी नहीं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर क्या गाइडलाइन जारी की है वो बताते हैं। साल 2015 में अर्जुन गोपाल, आरव भंडारी और जोया राव भासीन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगाने की मांग की गई थी। अब इस केस को चलते 8 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसका निपटारा नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट 2 बार गाइडलाइंस जारी कर चुका है। पहली बार 23 अक्टूबर साल 2018 को और दूसरी बार 29 अक्टूबर साल 2018 में ही। पहले गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर दूसरे सभी पटाखों पर बैन लगा दिया था, लेकिन दूसरे गाइडलाइंस में नियम बदल दिए गए और सिर्फ उन पटाखों पर बैन लगाया गया जिनमें बेरियम सॉल्ट का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा पटाखे फोड़ने की समय सीमा भी तय कर दी गई, दीपावली की रात 8 बजे से 10 बजे तक और क्रिसमस न्यू ईयर की रात 11:55 से 12:30 बजे तक। लेकिन इस तरह के नियमों से लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं कि क्या दीपावली के पटाखों से ही प्रदूषण होता है। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदूषण के पीछे पटाखों का कितना हाथ होता है। साल 2013 से साल 2016 के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड पॉलिसी ने दिल्ली की खराब हवा को लेकर एक स्टडी की। इस स्टडी में यह दावा किया गया कि दीपावली के शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक हवा में PM2.5 की मात्रा 100% तक बढ़ गई थी, जबकि दीपावली के अगले दिन PM2.5 40% तक बढ़ गया। इसके अलावा साल 2021 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 8 शहरों में रिसर्च किया गया था कि दीपावली के अगले दिन इस शहरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण में कितना फर्क देखने को मिलेगा, और पाया गया कि दीपावली के ठीक अगले दिन इन शहरों में PM10 की मात्रा 22% से 114% तक बढ़ गई, और PM2.5 और PM10 वो पॉल्यूटेड एलिमेंट्स हैं जो हवा को खराब करते हैं। अब आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी कि आपके पटाखे दीपावली में फोड़ने हैं या नहीं फोड़ने हैं और किस टाइम पर फोड़ने हैं, साथ ही पटाखे प्रदूषण पर कितना बढ़ा देते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके।